स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का इनकार किया गया, जिसमें उनकी बकायदा इस चीज पर तरबियत की गई कि खवातीन की जो के हवाले से बात हुई कि खवातीन की सियासत में मुअसर शमूलियत को किस तरह फॉल बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ वुमेन वर्कर्स जो है उनके मसाइल को किस तरह से वो उजागर करें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को वो अपने अखबारात में पब्लिश करें या अपने किसी प्रोग्राम्स में टॉक शोज में खवातीन के मसाइल को जेर बहस लेके आएं, जिसकी वजह से जो वो खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का हिस्सा नहीं है, उनका भी हौसला बढ़े, उनकी भी इंकरेजमेंट हो और वो घरों से बाहर आए और अपने अपने जो उनके किरदार हैं उनके अपना किरदार अहम किरदार अदा कर सके इकोनॉमी का पहिया चलाने में, और इसके साथ साथ जो खवातीन की सियासी शमूलियत के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम वो करें अपने कलम के जरिए, ताकि खवातीन इनक्रेज हों और वो सियासत में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े और वो जो अपने राय का इजहार का उनका हक है जो आइन के आर्टिकल में वाजिया तौर पर वो लिखा गया है, उसका वो भरपूर जो है वो इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सियासी शमूलियत जो खवातीन के बढ़े बढ़ के मुआशी तरक्की की दौड़ में भी वो खवातीन कौमी जिंदगी में अपना अहम किरदार अदा कर सके। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जमहूरी और सियासी अमल में खवातीन की शिरकत को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने में खवातीन का एक कलीदी किरदार है, उसको किस तरीके से मुस्तहकम किया जाता है, किस तरीके से हम मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं। नीज़ ये कि जो पाकिस्तान में जो वर्किंग वुमेन हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनको किस तरीके से बेहतर अंदाज से उजागर किया जा सके, और इसके अलावा जो सिंपली हसासियत के मौजूद पर बात की गई है और उस पर मशावरत की गई है कि किस तरीके से जो सहाफ़ी हैं वो अपने खबर निगारी के दौरान, अपने तबसरों के दौरान, अपने टॉक शोज के दौरान सिंफी मसावात को मज़ीद बेहतर बना सके। आज मुझे ये मौका मिला कि मैं SSTU TDEA और फाफन के ज़रिए तमाम एक वर्कशॉप अटेंड कर सकूं, जिसमें सिंफ के बारे में हसासियत और पॉलिटिकल प्रोसेस में खवातीन की पार्टिसिपेशन को मौजू बनाया गया था। ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप थी जिसके अंदर हमें बताया गया कि किस तरह हम अपनी रिपोर्टिंग में, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इस तरह के रवैये अख्तियार कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम खवातीन को इंक्लूसिविटी का यानी कि शमूलियत का, उनको किसी भी अपनी चीज़ में शामिल करने का मैसेज दें, उनको ये तहफ़ और एहसास फ्राहम करें कि वो भी इस माशरे का हिस्सा है, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है जिसमें वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे सकती हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि खवातीन अपनी सियासत में भी, जो हमारे मुल्क का जाहिर है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा एक सिस्टम है जिसका प्रोसेस का पार्ट बन के ही आप एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे पहुंच सकती हैं सुप्रीम लेवल की, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या रवैये अख्तियार करें जिसकी वजह से उनके लिए रास्ते आसान हों और मुल्क को, कौम को उसकी एक अच्छी मंजिल तक, वही मंजिल जो हमारे कायद ने सोची थी, उस तक पहुँचाना आसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन को हम लोग देखते हैं कि मीडिया में हमारे साथ, हम जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी कम खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। हम किसी भी इदारे में जाते हैं वहाँ पर हमें मर्द की रेशियो ज़्यादा मिलती है, खवातीन की कम मिलती है। इस पर हम ये भी चीज़ देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ से अगर कोई फीमेल इंजीनियरिंग कर रही है, साइकोलॉजी कर रही है, जो भी जिस चीज़ में वो पढ़ रही है, उसके बाद उसका डिपार्टमेंट बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है। मोस्टली हम देखते हैं कि ये शहरों की बात है जो खुद की असेसमेंट है कि यहाँ पर वो मोस्टली अक्सर कह देते हैं कि आप टीचिंग साइड पे चलिए बेहतर चले, वो शायद इसलिए कि हर वालदेन तो तमाम तक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जहाँ भी जाएं वो सेफ रहें, काम करें, लेकिन स्कूल को हम ऐसा सिस्टम समझते हैं कि जहाँ पर खवातीन सेफ रहें, लेकिन हमें अपने तमाम तक जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी इस हद तक सेफ बनाना है कि ताकि वहाँ पर भी खवातीन काम कर सकें।